पूरे दिन अगर countdown देखा जाए पूरे सात दिन बचे हैं एच एस के प्रीलियम्स के लिए एंड uh, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं आपके सेंटर्स अलॉट कर दिए गए हैं कोविड लाइन जो गाइडलाइंस है उनको देख लीजिएगा आपको डबल वैक्सीनेशन लगा होना चाहिए या फिर आपकी बस में आर टी पी सी आर रिपोर्ट होनी चाहिए बिफोर सेवेंटी टू आवर्स राइट सो so, वो है बाकी इसी के लिए लास्ट के सात दिन हाई टाइम रिविजन चल रहा है हम लोग वी आर विद टेंथ डे डे टेन ऑफ एचपी जी के रिफ्रेशर कोर्स अब यहाँ पर हम हिमाचल जीके को कवर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टेन टू फिफ्टीन क्वेश्चन हम यहाँ डिटेल्ड जो है डिस्कस करते हैं ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि ये तो टाइम है नहीं अभी कि आप कुछ नया उठाने वाले हैं या बुक से रिवाइज करने वाले हैं इसलिए क्वेश्चंस के क्वेश्चन फॉर्मेट में रिवाइज करना इज द बेस्ट वे स्पेशली फॉर एच पी जी के सिंस देर आर अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ यू नो राजा के नाम देर आर लॉट ऑफ डेट एंड देर इज अ लॉट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कल्चर एवरीथिंग इज लाइक सो मच दैट इज वाई क्वेश्चन फॉर्मेट इज द बेस्ट वाई राइट अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हैं डू लेट मी नो आपको चैट सपोर्ट भी हमारे जो ऐप है उसके ऊपर मिलता है आपको हमारी ऐप आप का जो अगेन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें पेड और जो आपके दूसरे कोर्सेज हैं वो मिलते हैं सिंस ओनली सेवन डेज आर लेफ्ट आपको फिफ्टी परसेंट ऑफ दिया जा रहा है इस कॉम्बो पैक के ऊपर अभी कॉम्बो पैक में तीन टेस्ट सीरीज हैं एंड ये जो है Uh, एक साल के आपके करंट अफेयर्स है और फिर एक हफ्ते का जो है सी सैट का पावर ब्रशअप है तो इसमें क्या है इसमें आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है एंड एज आई से ये पहले आपका 1499 का था वेरी मिनिमल प्राइस इसी के ऊपर आपका ये 50% ऑफ लगेगा कूपन जो है आपको इसमें लगाना होगा डू लेट मी नो कि जो आपको ये ऐप आप में सारा का सारा हेल्प मिल जाता है अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें आपको सेवनटीन हंड्रेड क्वेश्चन जो है एचपी जी के ऊपर है सेवनटीन टेस्ट है टोटल करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं बाईस फिर आपके एच के जो फुल फ्लेज आपके जी एंड सी वो हैं थर्टी प्लस टेस्ट ये हैं एक साल के करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं और फाइनली आपका सी है जिससे आप थर्टी थ्री परसेंट का जो गोल्डन मार्क है उसे यहाँ पर पार करने वाले हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी स्टील डील है स्पेशली लास्ट हफ्ते के लिए जब आपके लिए रिविजन बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट पर भी आपको ये याद नहीं आएगा कि आपने किताब में क्या पढ़ा था मोर ऑफ ये आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने वहां पर अपेयर किया था मेरा गलत हुआ था या सही हुआ था सो दैट इज हाउ लाइक द टेस्ट सीरीज हेल्प्स यू राइट कोई भी प्रॉब्लम होगा डू लेट मी नो आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में मिलते हैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ आपको अगेन उसमें मिलेंगे जितनी बार भी करना चाहें और एक प्रॉपर ए एनालिसिस मिलता है कि कौन से आप क्वेश्चन गलत करते हैं आज के लेक्चर्स की लेक्चर की, की अगर हम बात करें तो आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें दो तीन डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं और इसमें एक दो डिस्ट्रिक्ट जो है आज कवर करने वाले हैं उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपका कुल्लू तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है तो यहां पर पूछा गया है जो कुल्लू किंगडम है उसके फाउंडर हैं उनका नाम था बहंग पाल देन नेक्स्ट इज द ओरिजिनल सीट ऑफ पाल फैमिली ऑफ कुल्लू इज सेड टू बी इन मथुरा सो इनमें से आपका करेक्ट कौन सा है वन ओनली टू ओनली बोथ ऑफ दीज आर राइट और नीदर वन नॉट टू What will be the correct answer? The correct answer is going to be neither one nor two. पहली बात यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. सबसे पहले जो कुल्लू का हम ओरिजिनली जैसे फाउंडर मानते हैं उनका नाम था बिहग्मनी पाल उसके अलावा जो ये पाल डायनेस्टी की आ, आपकी सीट आती है ये प्रयागराज से आती है ओरिजिनल सीट प्रयागराज में मानी जाती है ना कि मथुरा में तो सबसे पहले कुल्लू की अगर हम बात करें यहाँ पर आपको दो तीन चीजें जो जाने से पहले देखनी है या बेसिकली सभी में जो पाल आपका ये सरनेम यूज क्या करते थे ये किसने शुरू किया था किसने एंड किया था सिंग यूज करते थे तो वो किसने शुरू किया था एंड किया था उसके अलावा एज आई से कैपिटल किसने कहाँ तक शिफ्ट की थी तो ये इंपॉर्टेंट रहता है इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड इनकरेक्ट पूछा गया है ड्यूरिंग दी रेन ऑफ विसाद पाल जो कैपिटल है वो नास्त से नगर शिफ्ट किया गया था एंड विशुद पाल जो है उनके टाइम पे नगर के राणा के खिलाफ एक वॉर छेड़ी गई थी अब इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है बताइए वन ओनली टू ओनली बोथ ऑफ दीज आर इनकरेक्ट और नीदर वन नॉट टू सो आंसर इज गोइंग टू बी बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अभी दोनों ही इनकरेक्ट है क्यों ये उल्टे दिए गए हैं अब नाम इनके थोड़े कंफ्यूजिंग है सेम सेम दिखते हैं जो आपके विशुद्ध पाल है उन्होंने नाच से नगर को आपकी कैपिटल शिफ्ट की थी तीन हमें कुल्लू में कैपिटल देखने को मिलती है एक होगी आपकी नास नास को हम जगत सुख के नाम से भी जानते हैं है ना और फिर दूसरी आती है आपकी नगर या नागर भी कई जगह इसको लिखा गया है एंड फाइनली आपकी सुल्तानपुर तो ये आपने देख लेना है कि जो नगर है उससे सुतालपुर में किसने किया था नासिनगर नगर में आपकी विशुद्ध पाल ने किया था एंड जो विषाद पाल थे उन्होंने नगर के राना के खिलाफ यहां पर एक वॉर जो है स्टार्ट की थी राइट देन कम्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इसमें भी आपके पास में दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है किंग ऑफ बुशहर इन इनवेडेड कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ गंभीर पाल जब शहर ने अटैक किया था कुल्लू पे उस वक्त रूलर कौन थे गंभीर पाल और किंग बुशहर से किसने वापिस अपना लिया था हस्तपाल दू तो इसमें से कौन सा सही है वन ओनली टू ओनली बोथ ऑफ दीजा करेक्ट या नीद वन नॉट टू सो बताइए यहां पर जो है क्या पूछा गया है यहां पर पूछा गया है करेक्ट कौन सा है सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नीदर द वन नॉट टू अगेन दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं बिल्कुल गलत क्यों हैं जब आपके इसमें या तो आपको टाइमलाइन याद हो टाइमलाइन याद रखना बहुत मुश्किल है सिंस बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास में चलो डिस्ट्रिक्ट्स तो थोड़े हैं उन जो पहले हैं वो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे ऑफशूट्स हुआ करते थे तो सबका टाइमलाइन याद रखना मुश्किल होता है तो वैसे तो आपको इसमें नहीं कर पाएंगे लेकिन जैसे आपका बुशहर ने कब इनवेड किया था वो आपके गंभीर पाल के टाइम पे नहीं किंग हस्तपाल द सेकंड के टाइम पे किया था और जो आपके गंभीर पाल है उन्होंने बुशहर के किंग से अपने कुल्लू को वापस लिया था राइट इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ विच किंग ऑफ कुल्लू गॉट हिज किंगडम फ्री फ्रॉम चंबा विद द हेल्प ऑफ रूलर्स ऑफ बुशहर किंगडम इन सेवन एटी एंड एट हंड्रेड एडी तो आपके ऑप्शंस हैं रुद्रपाल विधि सिंह जगत सिंह या जरेश्वर पाल सो करेक्ट आंसर दिस इज द द फाइनल टाइम यू शुड नो ऑल ऑफ करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जरेश्वर पाल अभी आप अगर टाइमलाइन में देखे 780 एटी टू एट हंड्रेड एडी इसमें ओनली रूलर हु देयर ये जो है काफी सारे बाद में आए हैं ठीक है इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन हु फॉलोइंग लीडर्स ऑफ किनोरा आर्मी जिन्होंने गोरखास को हेल्प किया जिन्होंने गोरखास के साथ फाइट किया था नियर शोलटू ब्रिज तो कौन कौन थे लीडर्स दास, श्याम दास तिकाराम या बद्रीदास इनमें से सही चूज करना है वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री थ्री एंड फोर या फिर वन एंड फोर सो वॉट विल बी करेक्ट आंसर द्रीदास दैट इज आपका थर्ड एंड फोर्थ तो ये दोनों ही यहाँ पर लीडर्स थे जब गोरखास के साथ में अगेन uh, बुशहर या उस वक्त बुशहर के अंदर ही ये सारा किन्नौर वगैरह ये वाला एरिया भी आया करता था तो वहां एक आर्मी जो थी किन्नौरा आर्मी uh, एक ट्राइब के द्वारा यहाँ पर उनको आगे लीड किया गया था इस उनको लीड करने वाले तिकाराम और बद्रीदास थे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं करेक्ट पूछा गया है जब कैपिटल सराहनपुर सराहन से उसको रामपुर शिफ्ट किया गया सीट को तो उस वक्त राजा थे आपके राजा उग्र सिंह एंड नेक्स्ट इज जब शहर को ब्रिटिशर्स ने गोरखा से वापस लिया तो उन्होंने सनद ग्रांट किया था पूरे बुशहर को एक्सेप्ट रमाई एंड कोटगढ़ टू राजा मुनिंदर सिंह सो so, इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है वन ओनली टू ओनली देन इज आपका बोथ यानी वन नॉट टू So, कौन से रहेगा आपके पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है यस सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी टू ओनली जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो तो आपका बिल्कुल सही है कि जब ब्रिटिशर्स ने गोरखा से लिया शहर को वापस तो उन्होंने रवाई और कोटगढ़ को सारा नहीं ग्रांट किया था बाकी जगह को किया था बाकी रही बात राजा उग्र सिंह की उन्होंने सराहन से रामपुर को आपकी कैपिटल शिफ्ट नहीं किया था उस वक्त जो राजा थे उनका नाम था राजा राम सिंह वो इनके नाम से भी आप देख सकते हैं राजा राम सिंह ने कैपिटल किसको बनाया रामपुर को राइट और नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और हम कौन सी प्रिंसली स्टेट के बारे में बात करते हैं जब हम कहते हैं इट वॉज फाउंडेड बाई गोविंद पाल देन इज कैपिटल ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज हलोग हलोग एक फेमस चीज भी होती है यहाँ पे सो so, कौन सी ये है बदोली, धामी भागल या भगत सो so, कौन सा रहेगा सही आंसर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी द प्रिंसली स्टेट ऑफ धामी यहां पर भी एज आई ऑलवेज से एक लिस्ट बना लेनी चाहिए आपको बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें हैं उनकी कैपिटल्स की अभी तो टाइम लेट हो गया है नेक्स्ट टाइम के लिए या जब भी आप अपना रैंक अच्छा करना चाहते होंगे या अगर खुदा ना खास्ता ना निकले तो अगली बार के लिए प्रिपेयर करना चाहते होंगे दिस इज द बेस्ट वे सारी प्रिंसली स्टेट्स लिखनी है उनकी उनके फाउंडर्स के नाम लिखने हैं और उनकी कैपिटल्स लिखनी है ठीक है सेन एंड राजा गिरीसेन ऑफ क्योंथल स्टेट वॉज ग्रांटेड हेरिडिटरी टाइटल ऑफ राजा फॉर सपोर्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 तो दो राजाओं के नाम क्या है संसार सेन और राजा गिरीसेन अभी इसमें से करेक्ट पूछा गया है तो क्योंथल स्टेट के बारे में पूछा गया है ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कैसे कैसे बनी थी क्योंथल तो कौन सा सही है वन ओनली टू ओनली बोथ ऑफ दीजा करेक्ट और नीदा वन और टू यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं अगेन यहाँ पर ऑपोजिट दिया गया है क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना किसने की थी वो आपके राजा गिरीसेन ने की थी एटलीस्ट ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसने स्थापना की थी और देनेस uh, आपकी जो क्योंथल स्टेट है uh, जब uh, आपके uh, ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें सपोर्ट के लिए आपके राजा संसार सेन को राजा का टाइटल उस वक्त जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने किया था दिया था देन कम्स कमजा नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है जो बाघल प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना की थी आपके पंवर राजपूत रूलर थे एक जो उज्जैन से आए थे जिनका नाम था अजय देव और नंद देव ने शिफ्ट की थी उसको डमरास से जिसे हम सर डमरास भी कहते हैं टू दाड़ला जिसे हम दाड़ा घाट कहते हैं तो ये यह यहाँ पर आपका करेक्ट इसमें से पूछा गया है One only, two only, both of these, या फिर नीदा वन नॉट टू बागल की स्थापना किसने की थी सो दीज स्टेटमेंट साहब बिल्कुल सही ये एक उज्जैन शब्द याद रखना है पवन राजपूत रूलर याद रखना है कि बागल की स्थापना अजय देव ने की थी जो पवन राजपूत रूलर थे कहां से आए थे उज्जैन से आए थे और नंददेव ने शिफ्ट किया था डमराज से डाल घाट को इस कैपिटल को राइट आर लास्ट क्वेश्चन है दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं महलोग प्रिंसली स्टेट छोटी छोटी रियासतें थी उसमें से एक थी महलोग उसकी स्थापना राजा बीर चंद ने की थी जो अयोध्या के थे और फिर राजा उत्तम सिंह ने कैपिटल को शिफ्ट किया था पट्टा से कोट घरसी या घारसी सो so, इसमें से आपके करेक्ट कौन सा है वन ओनली टू ओनली बोथ या फिर वन नॉट टू बताएंगे मुझे The करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ these statements अगेन आर ट्रू यहाँ पर आपकी महलोक स्टेट की हम बात कर रहे हैं दो नाम याद रखने हैं बी राजा बीर चंद और राजा उत्तम चंद सो दैट इज इट टेन क्वेश्चन में इतना ही कर सकते थे हम इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस बचे हुए नाइनटी क्वेश्चन फिफ्टीन हंड्रेड प्लस एच पी जी के उसका नाम है उसमें भी एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है उसको भी आप चेक कर सकते हैं हमारी आपके ऊपर And um, only 7 days left, guys. Keep studying and uh, keep faith in you and stay positive. All the very well.